सुजीत श्रीलंका में पैदा हुआ एक छोटा सा लड़का था। उसके मम्मी पापा बहुत ही खुश थे क्योंकि ये उनके खानदान की पहली औलाद थी। सुजीत हमेशा से बहुत बोलने वाला बच्चा था, मगर कभी कभी उसकी बातें सभी को समझ नहीं आती थी। वो महज 3 साल का था जब उसने सभी को ये कहना शुरू कर दिया था कि उसका नाम सुजीत नहीं बल्कि सैमी है। पहले तो उसके माँ बाप ये बात हंस कर टाल देते थे, मगर फिर कुछ अजीब होने लगा। जैसे जैसे सुजीत बड़ा होता गया, उसका मानना था कि वो गोरकन्ना में रहने वाला सैमी नाम का लड़का है। सुजीत के माँ बाप भी कभी गोरकन्ना नहीं गए थे, वो जगह उनके घर के साउथ डायरेक्शन में थी और वो भी 8 माइल्स दूर। फिर पता नहीं क्यों सुजीत ऐसा कहता था। और तो और उसे एक और अजीब आदत पड़ गई थी, उसे सिगरेट और शराब, खास करके विस्की की बहुत समझ आने लगी। अब 6 साल का बच्चा जिसने आज तक पी नहीं, उसे कैसे ये सब पता हो सकता है? अब सुजीत के माँ बाप को चिंता होने लगी थी। वो लोग बुद्धिस्ट थे, इसीलिए पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। सुजीत बड़ा होता जा रहा था और उसने अब ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि वो सैमी था और अब उसे उसकी पुरानी जिंदगी में जाना है। इसलिए सुजीत के माँ बाप ने एक मशहूर प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया को अपने घर पर बुलाया। ये प्रोफेसर हिप्नोटिज्म जानते थे, इसलिए अब सुजीत का केस इन्हें दिया गया था। सुजीत को हिप्नोटाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि सैमी आखिर था कौन। सैमी एक रेल रोड वर्कर था जिसका विस्की का भी काम था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम मैगी था, जिसके साथ उसका एक बार झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के बाद सैमी बाहर चला गया था हवा खाने के लिए। उसने वहाँ पर पी ली थी और जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसी सुजीत को अपनी अधूरी ज़िंदगी में लौटने की तलब है। इस खबर के बाद सुजीत और उसकी फैमिली प्रोफेसर के साथ सैमी के घर भी गए। वहाँ सुजीत को देखकर ही उसके घर वाले पहचान गए। इतना ही नहीं, वहाँ पहुंचकर सुजीत ने सैमी की छोटी छोटी चीज़ें जैसे सबके पेट नेम्स, उसकी हरकतें, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ उन्हें बताई, जिससे साफ हो गया था कि सुजीत ही सैमी का पुनर्जन्म लेकर आया है। इसके बाद प्रोफेसर ने भी इस केस को रीइनकार्नेशन का केस बताया और सुजीत को अपनी असल जिंदगी में रहने का सुझाव दिया। तो बस ऐसा हो सकता है कि इस बार करण अर्जुन के मेकर्स कुछ इसी तरह की कहानी लेकर आए। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।